आज हम लेकर आए हैं दो कच्चे आलू से बहुत ही सुपर और क्रिस्पी पकोड़े, फट से बनने वाली रेसिपी और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी। फटाफट हम इसको बनाएंगे और सर्व करेंगे। आप देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में और खाने में तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बने हैं। और फटाफट से आप इसको बना सकते हैं सुपर वाओ और क्रिस्पी इतने और टेस्टी। इसको सॉस या चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। वाह कमाल है, बहुत ही बेहतरीन बने हैं। वाह अमेजिंग। तो आइए चलते हैं बनाने के लिए। यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है, दो कच्चे आलू को हमने इस तरह से ग्रेट किया है लंबा लंबा, और प्याज को भी हमने इसमें लंबे आकार में ही काटा है, और दो यहाँ पे हरी मिर्च जिसको बारीक हमने चॉप कर लिया है, हरा धनिया पत्ता भर के लेंगे, और तीन चम्मच के करीब हमने लिया है यहाँ पे मक्का का आटा कॉर्नफ्लोर, और हाफ कप के करीब हमने डाला है इसमें बेसन। इतनी ही क्वांटिटी हमें इसमें रखनी है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। हाफ स्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा चम्मच हमने यहाँ पे डाला है अमचूर पाउडर, 1 स्पून देगी लाल मिर्च पाउडर, 2 पिंच हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून के करीब धनिया पाउडर, 1 स्पून जीरा। अभी इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी इसमें बहुत ही कम जाएगा क्योंकि आलुओं में भी काफ़ी पानी होता है। आलू को यहाँ पे हमने जब डाला था तो अच्छे से वॉश कर लिया था, आप भी अच्छे से वॉश करके डालें। करीब 1 चम्मच के करीब इसमें हमने पानी डालना है और अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है। फटाफट से ये हमारी रेसिपी, नाश्ता रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसको फटाफट से बना सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनकर तैयार होती है। अच्छे से इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट में ये अच्छे से हमारा सेट हो जाएगा बैटर। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको थोड़ा सा इस तरह से लेके हल्का सा बीच में से इस तरह से प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा कि काफ़ी कुरकुरे हमारे ये बनकर तैयार होंगे। थोड़ा इस अभी रख देते हैं, एक और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। इसी तरह से इसको भी ऐसे गोल करेंगे और ऐसे हल्का सा बीच में से प्रेस कर देंगे। वाओ, और इस तरह का ही ये थोड़ा सॉफ्ट रहता है, ऐसे ही बनाकर रख लेंगे। ज़्यादा हमें इन्हें बिल्कुल सूखा सूखा नहीं रखना है। अब यहाँ पे हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। एक पैन में हमने ऑयल रख दिया था गर्म होने, और यहाँ पे अब हम इसको 1 बाय 1 करके डाल देंगे। दोनों हाथों से ही डालना है क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट रहता है। अभी यहाँ पे हमने ऑयल को पहले गर्म किया था और फिर गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देना है, उससे ये काफ़ी अच्छे से हमारे फ्राई हो जाएंगे। अभी तीसरे को भी हम इसमें डाल लेंगे, थोड़ा स्पेस रखना है ताकि हमें पलटने में दिक्कत ना आए। अभी धीरे से जब ये थोड़ा ऊपर से सूखे सूखे हो जाएंगे तभी इन्हें पलटना है। अभी आप देख सकते हो इनका कलर चेंज हो गया है ऊपर से भी, हल्का सा थोड़ा जंग करके एक और को हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से पकौड़ों को इस तरह से इसमें डाल देना है, और जो पक गए हैं एक तरह से उनको इस तरह से पलट लेना है। झट से बनने वाला है हमारा ये नाश्ता रेसिपी है, आप फटाफट से बना सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन में या फिर आप टी टाइम स्नैक्स में इसको ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होंगे, और आप देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ से उठाकर देख लेंगे कि हो गए हैं क्या, अलटते पलटते हुए हमें इन्हें इसी तरह से तैयार कर लेना है। और बहुत ही कम इसमें ऑयल जाता है, थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। वाओ आप देख सकते हो कितने कमाल का हमारा ये पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं, और झट से बनने वाली रेसिपी है, खाने में बहुत ही बेहतरीन, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। अब इसको साइड में कर देंगे। जो हमारे अच्छे से ये डीप फ्राई हो चुके हैं इनको हम निकाल लेते हैं। वाओ अब इसको भी हम निकाल लेंगे।
अब इसको थोड़ा सा और पलट कर साइड से थोड़ा सा और रह रहा है, इसको भी अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। और इसको भी हमने थोड़ी देर में निकाल लेना है, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उनको अब हम यहाँ पे डाल देंगे। और इसको निकाल लेते हैं, ये हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। कलर भी आप देख सकते हो कितना बेहतरीन आया है। इसी तरह से आप भी बनाएं, एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए मेरी, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।